सात बजे ना हम लोग निकल पड़े हल्द्वानी से टैक्सी लेकर नैनीताल की तरफ। चले देखते कितने बजे पहुंचेंगे नैनीताल, नैनीताल में ही मिलेंगे हम इसके बाद और रास्ते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए मैं आ गई हूँ वापस घर और मौसम कुछ इस तरह का बना हुआ, जैसे हम लोग आए ना बादल है फिर से मौसम, तो पहाड़ों में इस साल ठंडी जाएगी नहीं जाएगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि इतनी ठंडी हो रही है अभी पहाड़ों में। स्वेटर्स पहनने पड़ रहे हैं, अभी भी जैकेट्स पहनने पड़ रहे हैं। और आज है हनुमान जयंती, तो सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज है नौनी का बर्थडे भी, तो नौनी पूजा कर रहा है छोशम में, तो चले मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को छोशम में। तो ये लड़का उठ के, नौनी बदतमीजी मत करना, तमीजी कर, इतनी लेट से उठ के आया, उसके बाद बर्थडे के दिन भी गालियाँ सुनने की इसको बड़ी तमन्ना है। हो गया चुम्मी जला दिया, हाँ रख दे नीचे। तो हैप्पी बर्थडे, छाप कर छाप कर छाप कर बोला ना। हो गया चलो, तो लो खा तक पहना, वैसे तो ये भी कह रहा है मैंने मुझे पहना दिया था मगर मैंने भी पहना दिया। चलो हैप्पी बर्थडे। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बन रहा है अभी, 11:30 बजे लड़का उठ के आया, तो मैंने बोला चलो हम दोनों ही नाश्ता करते, तो भुर्जी बना रही हूँ नाश्ते में, अंडा भुर्जी। आईफोन 13 दिला रही हूँ बर्थडे गिफ्ट में। क्या दिला रही हूँ? आईफोन 13। तो उतला हो गए, आईफोन को आईफोन बोल रहा, मेरे पास खुद के पास आईफोन नहीं, तुझे कहाँ से दिलाऊंगी मैं, ब्लॉग मेरे ऐसे हिलते डुलते आते नहीं ना। आईफोन हैप्पी बर्थडे जी। क्या रखा है ये देखो, बहुत ही टेस्टी सा भुर्जिया बन के तैयार हो गया हम दोनों माँ बेटे का। और इसको चाहिए बोला कपड़े, कपड़े जी बर्थडे गिफ्ट में आईफोन चाहिए इसको, आईफोन शक्ल देखिए अपनी आईफोन जैसी, हट मैंने दे रही हैप्पी बर्थडे बोल देना, वही तेरा बर्थडे गिफ्ट है, खुश रहे उसी में समझे। शट अप शट अप शट अप, देख रहे हो बर्थडे के दिन ऐसी ही माएँ होती है जिनके बच्चे इतने सुधरे हुए होते हैं। सुधरा हुआ है तो पहले शक्ल दिखा दे, गेम खेल रहा है, खड़े खड़े भी चैन नहीं है तुझे, फटाफट नाश्ता करो निकल यहाँ से दफा दुकान की तरफ। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, तो मैं ना नैनीताल पहुंच चुकी हूँ, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही था मेरा कि आज हम लोग मसूरी से आज ही पहुंची हूँ सुबह वापस, तो 9 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। रात के 11 बजे की ट्रेन थी, 11:30 बजे की, और हम लोग सुबह 8 बजे हल्द्वानी पहुंच गए थे, और उसके बाद यहाँ पे पहुँचते 8:30-7:30 टाइम मुझे पता नहीं सीरियसली, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा आजकल, मैं टाइम देखा था मगर मुझे याद नहीं कितने बजे पहुँचे थे। फिर उसके बाद घर में मेरे बैग वैग अनपैक वनपैक सब कर कुर के, जो धोने कपड़े धो के, तब मैं आई हूँ अभी, अब जा रही दुकान की तरफ। दिन के बज रहे हैं इस समय 3:30, और नोनी मुझे बार बार कॉल करके बुला रहा है, कह रहा है उसका बर्थडे भी है ना आज, और बाद क्या कहते हैं हनुमान जयंती भी है, तो मैं दिखाती हूँ आप लोग हनुमान जयंती का जो भंडारा लगा था अभी तक भी लगा हुई है, क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं नीचे से काफ़ी ज़्यादा, तो लेके चलती हूँ मैं आप लोगों को वहाँ पे। और नोनी का बर्थडे है, तो इवनिंग में डिनर विनर सब शूट करके कल को फिर ये ब्लॉग आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो चले मिलते हैं नीचे जाके मार्केट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा, देखिए हनुमान जी का बर्थडे सेलिब्रेशन, ओहो डांस भी हो रहा बढ़िया सा। फ्रेंड्स यहाँ पे लगा हुआ है भंडारा, मैं वहाँ से देखते वाली थी, वहाँ पे नहीं था एक्चुअली। ओह धक्का मुक्की, मनीष के बच्चे देख के नहीं जा सकता, बदतमीज, धक्का क्यों मारा, पीटेगा मेरे हाथों से, अभी पीटेगा मेरे हाथों से, दिखता नहीं है पीला गमछा पहन के, पीटता अभी मेरे हाथों बुरी वाला। तो यहाँ पे सारे ऑरेंज ऑरेंज वस्त्रों में नजर आ रहे हैं सबके सब लोग, तो यहाँ पे चल रहा है भंडारा, खूब लोग व्यस्त नजर आ रहे हैं। तो चले मैं चलती शॉप के अंदर। हनुमान जयंती के अवसर पर देखिए भंडारा खाने वालों की जो भीड़ लगी हुई है ना यहाँ पे, बहुत ही लंबी सी लाइन है, ये लाइन जा रही है यहाँ से लेकर ये लंबी वहां तक, तो वहां से अंदर को बाप रे काफी लंबी लाइन है भाई हनुमान जयंती के अवसर पे ना। ये देखिए जी ऐसे लगे मैंने ये वाले, पहले पहले शादियों में लगते थे ये वाले, अभी फिर से आ गए शायद ट्रेंड में ये वाली चीज़ जो है, ये झंडे जैसे जो थे ये वाले। तो ये हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर जो इस तरह की भीड़ भाड़ है यहाँ पे, तो दुकानों में तो कुछ भी नहीं, दुकानों में तो खाली खाली चल रहा है, पर यहाँ पे ना बहुत दूर तक काफ़ी वो लगा हुआ है, अभी अब जो है भीड़ खत्म हो चुकी है यहाँ पे। तो चलिए मैं चलती हूँ आगे। समय बज रहे हैं 8:15 बज गए यार, तो आज है नोनी का बर्थडे और नोनी का है मूड थोड़ा सा ख़राब, ठीक है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी डिनर पे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं,
कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे डिनर पे अनुपम, डिनर पे मिल गया। पहचान है किसको? आपको नहीं पहचानते हैं। किसको साइकिल देते हैं ना? किसी को उन लोग को जानते हैं ना, ऐसे बोलते थे मेरे को। किसको जानते हैं? साइकिल लगाने अंदर लगाने थे भैया, साइकिल तेरा लगा दीजिए ऐसे बोलते थे। अच्छा, चलाने नहीं देते? चलाने नहीं देते हैं। किसको? और को चलाने देते हैं? और को तो बहुत। किसको चलाने? और सब आदमी को। क्यों? सही से दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम बोलते ना, वो है या नहीं? चलो, ये है नोनी का बर्थडे केक जो हम लोग अभी अभी लेके आए हैं। तो नोनी केक काटने के लिए तैयार है। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन नोनी। खाता सुबह दो दो पहना दिए, दोनों उतार दिए, अभी नहीं पहना रहे हम खाता। अभी हम 10 बजे डिनर करके पहुंचे। दादू को बता दिए, दादू को बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाता तो पहनते, खाता साइड में पड़ा हुआ देखो। तो बोल दे फिर दादू को सुबह केक लेके चल जाना, दादू मेरा बर्थडे था कल। तो ये बोला दादू को तो बताना, मेरे 500 रुपये तो मिल जाते मुझे। तो चलो हैप्पी केक फू कौन करेगा? एक ही भी जानता वैसे। चलो हटा दे, हाँ वैसे इसको एक गिर रहा ना वैक्स। तो हम इस बार नोनी के बर्थडे में कोई भी नहीं, हम तीन जने, कंचू, नोनी, मैं, बूबू तो नीचे सो जाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गाना भी नहीं गा जा, सांस फूल रही गाते गाते। मेरी कटोरी दे दे वहाँ से, भगवान जी को निकाल दे पहले। कटोरी दे दे वहाँ से, कटोरी वो लिटल वाली दे दे। हाँ, तो ये वाला पीस हमारे भगवान जी का निकला है। इसके बाद फिर नोनी को खिलाएंगे हम। मुंह में लगाए, पिछले इजी होती थी, कितना मजे करते थे हम लोग। हाँ खा ले ना, तू ज्यादा खाना खा ले। हैप्पी बर्थडे।